नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं अन्नु कपूर और आप सब महानुभावों का खैर मकदम करता हूं आपके शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नु कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। ये रेडियो स्टेशन है इंडिया का सबसे पॉपुलर। अजीजमन, मैं तहे दिल से आप सभी लिसनर्स का, श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को अपने दिल में ख़ास जगह दी है। और आपके दिल में ख़ास जगह की वजह से ये प्रोग्राम नंबर वन का रेडियो शो बन गया है। ये प्रोग्राम जहाँ ये कोशिश की जाती है कि आपको वही किस्से कहानियाँ सुनाऊँ जो सच्चे हों, वही इन्फॉर्मेशन दूँ जो सही हो, फिर भी कभी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा और मुझे बताइएगा ताकि मैं सही रास्ते पर चल सकूं। अनु जी, आज कौन कौन सी कहानियां लेकर आए हैं आप? आज के प्रोग्राम में जो कहानियां हैं, पहली कहानी है कौन था वो गया था सॉन्ग रिकॉर्डिंग देखने लेकिन मिल गया प्लेबैक का चांस, ये होगा पहला किस्सा। दूसरी कहानी में राजा हिंदुस्तानी की हीरोइन जो आपको दिखी, उस हीरोइन से पहले भी दो हीरोइन का नाम सामने आया लेकिन बात नहीं बनी, ये दूसरी कहानी में बताऊंगा। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल ने फिर याद किया, आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध अभिनेत्री सुश्री डिंपल कपाड़िया को। सेगमेंट अबेजे क्या हो गया मैं आज बताऊंगा उमेश मेहरा की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी की वो मिस्टेक जब हम बोल पड़े अबेजे क्या हो गया। और आखिर में हमारी श्रोता नियति उपाध्याय ने ट्विटर पे एक सवाल मुझसे पूछा है, उसका जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हिंदी सिनेमा में पहली चाचा भतीजा म्यूजिक डायरेक्टर की जोड़ी का नाम था सोनिक ओमी। बेहतरीन गायक थे सोनिक साहब, लेकिन आंखों से थे लाचार और अपने भतीजे ओमी से 17 साल बड़े थे। ओमी को भी गाने का शौक था, इसलिए चाचा भतीजे की बहुत बनती थी। जब सोनिक ने बंबई आकर फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया तो उन्हें सहारा देने के लिए घर वालों ने ओमी को भी, यानी भतीजे को, चाचा के साथ भेज दिया, क्योंकि चाचा जी को दिखता नहीं था। उस वक्त ओमी की उम्र 9 साल थी। बंबई पहुंचने के बाद पारिवारिक मित्र थी गायिका शांति शर्मा, उनसे मिलने गए। उन्होंने एक फिल्म स्टूडियो में बुलवा लिया था जहां वो रिकॉर्डिंग कर रही थी। संगीतकार थे हरबंस। शांति शर्मा जी से मिले, देखा रिकॉर्डिंग कैसे होती है। वहां पहुंचे तो शांति शर्मा ने म्यूजिक डायरेक्टर से सोनिक का तारुफ करवाया, थोड़ा सा गुनगुना के भी सुना। लेकिन तभी मालूम हुआ कि शांति शर्मा के साथ एक जो मशहूर सिंगर आने वाले थे डुएट गाने के लिए, वो बहुत बिजी हैं और आज नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर म्यूजिक डायरेक्टर हरबंस क्रोध में आ गए, चहलकदमी करने लगे, दिमाग चलने लगा कि क्या करें। तभी उन्हें न जाने क्या सूझी कि बोले चलो गाना रिकॉर्ड करते हैं। सब चौंके, सिंगर तो आया नहीं है, फिर किसके साथ गाना रिकॉर्ड करोगे। हरबंस ने कहा है ना ये सिंगर, ये सोनी साहब। तो इस तरह सोनिक को पहला ब्रेक मिल गया। ये बहुत बेहतरीन शुरुआत थी, जिसके बाद उन्होंने मनोहर लाल, मास्टर सोनिक के नाम से हुसन लाल भगतराम और गुलशन सूफी जैसे संगीतकारों के लिए बहुत सारे गाने गाए। 1955 में बनी फिल्म घमंड में गुलशन सूफी के संगीत में उनका गाया सोलो गीत सुबह का भूला शाम को घर लौट के घर आ जाए उस दौर का बहुत मशहूर गाना हुआ था। लेकिन बाद में गायकी का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सका तो दोनों ने, यानी कि चाचा भतीजा ने सोनिक ओमी ने मिलकर संगीतकार जोड़ी बना ली और बहुत अच्छे कुछ गीत हमें सुनने को दिए। 1994 में जब ऐश्वर्या राय ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता तो डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने उन्हें अपनी नई फिल्म के लिए हीरोइन बनाने की ठान ली। मीटिंग्स भी हुई तो ऐश्वर्या ने साफ लफ्जों में मना कर दिया कि अभी वो पढ़ाई करेंगी पूरी, फिर फिल्मों के बारे में सोचेंगी। मायूस होकर धर्मेश दर्शन लौट आए, फिर प्लान किया कि जूही चावला को लेकर फिल्म बनाएंगे। जूही से बात भी की तो जूही ने भी फिल्म करने से मना कर दिया। वजह यह थी फिल्म के हीरो आमिर खान, जिनके साथ जूही की बातचीत बंद हो गई थी फिल्म इश्क की शूटिंग के दौरान। धर्मेश दर्शन को फिर निराशा हाथ लगी, क्या करें, किसे हीरोइन लें। फिर फैसला लिया कि उसे ही फिल्म की हीरोइन बनाएंगे जो आमिर खान के साथ पहले कभी हीरोइन बनकर ना आई हो।
काफी खोजबीन सोचने विचारने के बाद एक नाम सामने आया, करिश्मा कपूर। मिले, कहानी सुनाई, करिश्मा ने फौरन यस कर दिया। फिल्म बनी, रिलीज हुई, सुपर हिट हो गई, नया रिकॉर्ड बनाया। साथ ही करिश्मा कपूर को पहली बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ। अगला सेगमेंट होगा तुमने पुकारा और हम चले आए, जिसमें लिसनर्स हमको फोन लगाएंगे और करेंगे हमसे बातचीत। ये बातचीत, कीर्ति जी स्वागत है आपका। जी फरमाएं, अपने बारे में बताएं आप। मुझे बहुत पसंद है म्यूजिक जी, और मैं जबलपुर की निवासी हूँ और यहाँ पे माता गुजरी महिला महाविद्यालय है जी जी, जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूजिक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ। अरे वाह 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 कीर्ति जी, अहोभाग्य हमारे कि म्यूजिक के ज्ञाता से हमारी बातचीत हो रही है। तो आपने डॉक्टरेट भी संगीत में ही ली है? हाँ जी सर, मैंने डॉक्टरेट संगीत में की है। मैंने मदन मोहन जी के ऊपर पीएचडी की थी, 2004 में मुझे अवार्ड हुई थी वो पीएचडी, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से। अरे वाह 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 वाह, मदन मोहन जी के ऊपर आपने पीएचडी की, आपको डॉक्टरेट से नवाजा गया। कीर्ति जी बहुत खुशकिस्मती है कि आपने एक ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टर के ऊपर, जिसने अपने जिसकी संगीत में जो बेस बना है वो अपने भारतीय ता को लिए हुए और उसी के अंदर जो सृजन किया है। मदन मोहन बहुत बड़े डायरेक्टर थे। कौन सा गाना, ये मैं पूछूंगा नहीं कि मदन मोहन तो अपने आप में मुजस्सन रूप में बहुत अजीम मौसिकार रहे हैं, कलफनकार रहे हैं। मदन मोहन को मैं ये मानता हूँ कि वो उन म्यूजिक डायरेक्टर्स में से जिन्होंने कभी मीडियोकर काम नहीं किया। बिल्कुल, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं उनकी इतनी बड़ी एडमायरर थी पहले शुरू से ही सर, और उस समय के उस दौर के सारे ही म्यूजिक डायरेक्टर्स मुझे बहुत पसंद थे, पर सबसे ज्यादा मुझे मदन मोहन जी के गाने टच करते थे। थैंक यू सर। आज दिल याद करेगा प्रसिद्ध सिने तारिका अभिनेत्री सुश्री डिम्पल कपाड़िया को। डिम्पल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को बम्बई में हुआ। पिता थे बिजनेसमैन चुन्नी लाल भाई कपाड़िया, माताजी बेटी। डिम्पल कपाड़िया 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। स्टडी हुई सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट हाई स्कूल से। केवल 15 साल की उम्र में चुन्नी भाई कपाड़िया के दोस्त राज कपूर ने डिम्पल को अपने बेटे ऋषि कपूर के साथ लॉन्च कर दिया। फिल्म थी बॉबी। वक्त बदल गया है डिब्बे राम, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ। पर अभी तो 20वीं सदी चल रही है। बूढ़ी हो गई 20वीं सदी, मैं 21वीं सदी की लड़की हूँ, अपनी हिफाजत खुद करना जानती हूँ, कोई मुझे हाथ लगा सकता है? बॉबी हिट हो गई, लेकिन राज कपूर की फिल्म में ब्रेक मिलने की वजह से डिम्पल को दर्जनों फिल्म के ऑफर मिले। लेकिन डिम्पल ने फिल्म रिलीज होने से पहले ही राजेश खन्ना से शादी कर ली और कह दिया फिल्मों को टाटा गुड बाय अलविदा। शादी के बाद डिम्पल कपाड़िया पूरी तरह घर गृहस्थी में जुट गईं। दो पुत्रियों ने जन्म लिया, ट्विंकल और रिंकी ने। लेकिन दुर्भाग्य से राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के वैवाहिक संबंध मधुर नहीं रहे, दरार आ गई और एक पॉइंट पर डिम्पल कपाड़िया अपनी पुत्रियों के साथ पति राजेश खन्ना से अलग हो गई। अलग होने के बाद 1984 में दोबारा नई पारी की शुरुआत की। फिल्म थी मंजिल मंजिल। रामलखन, सागर, अजूबा, नरसिम्हा, गर्दिश, अल्लाह रखा, इंसानियत, 20 साल बाद, साजिश, इंसाफ, क्रांतिवीर, रुदाली जैसी तकरीबन 83 फिल्म्स में काम किया और वो आज भी सक्रिय हैं। डिम्पल कपाड़िया को बॉबी, सागर, रुदाली और क्रांतिवीर के लिए फिल्मफेयर अवार्ड और रुदाली के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों, यही हमारी शुभकामना है। अगर वो सुन रही हूँ या उनके परिवार का कोई सदस्य सुन रहा हो तो ये सनद रहे कि 92.7 बिग एफएम पर इस सेगमेंट में, यानी कि दिल ने फिर याद किया में, आज बहुत आदर, श्रद्धा और प्रेम के साथ हमने सुश्री डिम्पल कपाड़िया को याद किया, वो हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और अब सेगमेंट अबे जे क्या हो गया। उमेश मेहरा की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी, अक्षय कुमार, रवीना टंडन और रेखा। तुम लोगों को शर्म नहीं आती, लोगों के सामने चोच में चोच मिलाकर गाना गा रहे हो, पूरे प्लेन के सामने गाना गा लिया। ओ बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। जो दिल प्यार करेगा वो गाना तो गाएगा ही गाएगा। ओए हाथ मत लगा यार, मैं तनुकी के बाद तेरी शादी। फिल्म में एक सीन है, अक्षय कुमार फ्लाइट से अमेरिका जा रहा है। फिल्म में दिखाया गया है कि फ्लाइट जब बोर्ड कर रहे हैं पैसेंजर तो वो है जेट एयरवेज का, और फिल्म है 1996 की। अबे जे क्या हो गया, 1996 में जेट एयरवेज की कोई भी फ्लाइट अब्रॉड नहीं जाती थी, मतलब जेट एयरवेज ने इंटरनेशनल ऑपरेशन
स्टार्ट 2005 में किया था। अबे ये क्या हो गया? हमारी 92.7 बिग एफएम की एक श्रोता दिल्ली एनसीआर की सुश्री नियति उपाध्याय ने ट्विटर पर मुझसे ये क्वेश्चन किया कि क्या चित्रलेखा के इस पर्टिकुलर गीत को कोई अवार्ड मिला, जिसके बोल हैं, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। नियति जी, इस फिल्म को कोई अवार्ड हासिल नहीं हुआ, लेकिन बहुत ही बेहतरीन गीत है और ये गीत लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था रोशन ने। रोशन ने गीत लिखने के लिए जब साहिर का नाम प्रस्तावित किया तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर केदार शर्मा चौंक गए। शक हुआ कि उर्दू का शायर शुद्ध हिंदी में गाने कैसे लिख पाएगा, लेकिन रोशन को साहिर पर पूरा भरोसा था। केदार शर्मा ने 1941 में बनाई आम्रपाली के गीत का रेफरेंस दिया और कहा, ऐसी ही सिचुएशन पर मुझे एक गीत चाहिए। गीत के बोल थे, तुम जाओ जाओ भगवान बने, इंसान बनो तो जाने, तुम उनके जो तुमको ध्याए, जो नाम रटे मुक्ति पाए, हम पाप करें और दूर रहे, तुम प्यार करो तो माने। तो साहिर ने गीत लिखा, बहुत बेहतरीन गीत है, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे, इस लोक को भी अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, मेरे नमन स्वीकार करें, वंदन स्वीकार करें, अभिनंदन स्वीकार करें, चलता हूं, आप सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी प्रार्थना के साथ के आप सुखी रहें, सबका कल्याण हो, सारे जगत का भला हो, मैं आज्ञा लेता हूं आपसे। जय भारत, वंदे मातरम।